हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बुलंदशहर में भाजयुमो जिला अध्यक्ष की गुंडई, नाली सफाई की गुहार जान पर पड़ी भारी। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आपको बता दें कि यूपी के बुलंदशहर में कुछ ग्रामीणों को ग्राम प्रधान से नाली सफाई की गुहार लगाना भारी पड़ गया। आरोप है कि ग्राम प्रधान के भाई और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक दुल्हेरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई की। भाजयुमो जिला अध्यक्ष पर न सिर्फ एक बुजुर्ग को सड़क पर खींचकर पीटने का आरोप है बल्कि सरेआम फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि गांव में करीब एक घंटा तक गुंडागर्दी और बवाल होता रहा जिसमें करीब चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंची, पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। सड़क पर बुजुर्ग को खींचकर पिटाई करता जो शख्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वह कोई गुंडा मवाली नहीं बल्कि बुलंदशहर भाजपा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष दीपक दुल्हेरा है। दरअसल सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव दुल्हेरा में भाजयुमो जिला अध्यक्ष के भाई और ग्राम प्रधान कालू से कुछ ग्रामीणों ने घर के सामने वाली नाली की सफाई कराने की गुहार लगाई थी। आरोप है कि भाजयुमो जिला अध्यक्ष के भाई कालू ने नाली की सफाई कराने से महज इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि नाली की सफाई कराने वाले परिवार ने ग्राम पंचायत चुनाव में उनको वोट नहीं दिया था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई जो देखते ही देखते मारपीट, पथराव और फायरिंग तक आ पहुंची। आरोप है कि भाजयुमो जिला अध्यक्ष दीपक दुल्हेरा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि भाजयुमो जिला अध्यक्ष और उनके साथियों ने लाठी डंडों से पीड़ित पक्ष पर हमला किया। हमले में चार पाँच लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर CO सिकंदराबाद नम्रता श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए सिकंदराबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भिजवाया। आपको बता दें कि अस्पताल में घायलों का उपचार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सर, नाम धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र सिंह, किस बात को लेकर आपके साथ? मैं सिक्योरिटी में नौकरी करता हूँ। 5 बजे मैं सिकंदराबाद से 6:45 बजे मैं अपने घर पहुँचा था। भैंस की धार काट रहा था। मुझे कोई विवाद की मेरा किसी से लेना देना नहीं। मैं सुबह को आता हूँ, शाम को 6 बजे अपने घर पहुँचता हूँ। मेरी जेब में 7,500 रुपये थे जो कि मैंने अपनी घरवाली के कुंडल धर के अपनी घरवाली की दवाई लेके गया था 500 कुछ रुपये की। दीपक दुल्हेरा, गौरव दुल्हेरा, बलवंत भोरा, सोनू प्रधान अरोड़ा और भी राहुल सनोप सतेंद्र, सोनू सनोप सतेंद्र, जितेंद्र सनोप जयप्रकाश और भी गांव के लोग। हम यहाँ अस्पताल में हैं, क्या इलाज मिला? हमारा कोई इलाज नहीं। मेरे यहाँ पे चोट है, मैंने कि मेरा यहाँ एक्सरे करा दीजिए, मैं परेशान हूँ, दिक्कत नहीं दी हमें कोई भी। और 1.5 घंटे बाद हमारे पास पुलिस प्रशासन पहुँचा। देखो ये मेरे ये इधर है, मैंने कही साहब मेरा एक्सरे करा दीजिए, प्राइवेट में करा दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी। कृष्ण पाल जी, किस बात को लेकर विवाद हुआ? नाली साफ करने के पीछे। अच्छा, वो नाली साफ करवा आया था जेसीबी लेके। वो दीपक दुल्हेरा का भाई है, वो प्रधान बना था आपकी बात। तो मैंने उससे बोला भैया नाली इधर साफ करवा। बोलो कि आपने मुझसे बोला, आपने वोट दी क्या मेरे को? मैंने भैया वोट तो किसी ने नहीं, आप प्रधान तो बन गए, साफ करवा। बोलो जिन्होंने वोट दी उनकी नाली साफ कराऊंगा मैं। तो यहाँ अस्पताल में आप आए हैं तो क्या डॉक्टर ने अब तक क्या ट्रीटमेंट किया है? सर एक इंजेक्शन लगाया मात्र। जी सर, मात्र एक इंजेक्शन लगा, ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिला मेरे को यहाँ पे। सर ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिला, मात्र एक इंजेक्शन लगा सर उन्होंने। दरअसल दुल्हेरा गांव में नाली सफाई को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, फायरिंग भी की गई। पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर के आधार पर आरोपी पक्ष पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे प्रकरण के बारे में नम्रता श्रीवास्तव CO सिकंदराबाद क्या कहती हैं, ये रिपोर्ट देखिए। लहरा गांव में विवाद हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि गोलियां चली हैं, पथराव हुआ, इसमें क्या है पूरा मामला? इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं, उन पे आरोप लगाया जा रहा है। दुल्हेरा गांव में थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के दुल्हेरा गांव में नाली सफाई को लेकर विवाद हुआ था, उसी में आपस में इनका लड़ाई झगड़ा हो गया है।
और अपने जो यहाँ मौजूद हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि फायरिंग की घटना भी हुई है। इसकी पूरी जांच की जा रही है और जो भी तहरीर थाने पर प्राप्त होगी उसके अनुसार मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। अब फिलहाल क्या अभी फिलहाल शांति है और जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जो ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता पर, उस पर कब तक क्या तहरीर प्राप्त होने पर ही क्लियर होगा कि किसके खिलाफ क्या आरोप लगाया जा रहा है। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।